हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बैड न्यूज़ लेटर्स अर्थात प्रतिकूल संदेश पत्र। देखिए, जैसे हमारी जो ह्यूमन लाइफ होती है उसमें जिस तरह से सुख दुख, खुशी गम, सफलता असफलता, लाभ हानि, ये सब चलता रहता है, उसी तरह से बिजनेस में भी ये ऐसे कुछ अवसर्स आते हैं, ऐसे कुछ सिचुएशंस होती हैं जैसे रिसेशन, फेलियर, लॉस, डिट्राइमेंट, अनफेवरेबल एंड सीवियर कॉम्पिटिशन इन बिजनेस। ऐसी कुछ सिचुएशंस होती हैं जब जो मैसेजेस होते हैं वो कुछ एडवर्स सिचुएशन वाले होते हैं, अनफेवरेबल मोमेंट्स के होते हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए बैड न्यूज़ लेटर्स लिखे जाते हैं। सी, बैड न्यूज़ लेटर कन्वेज नेगेटिव और अनप्लीजेंट इन्फॉर्मेशन दैट इज़ लाइकली टू डिसअपॉइंट, अपसेट और इवन एंगर अ रीडर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन इनडायरेक्ट मैसेज और अ नेगेटिव मैसेज। बैड न्यूज़ मैसेजेस इंक्लूड रिजेक्शन इन रिस्पॉन्स टू जॉब एप्लीकेशन, प्रमोशन रिक्वेस्ट एक्सेट्रा, नेगेटिव इवेल्युएशंस एंड अनाउंसमेंट ऑफ पॉलिसी चेंजेस दैट डोंट बेनिफिट द रीडर। अर्थात इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं जिनमें नकारात्मक संवाद देना होता है, नकारात्मक भाव होता है, ऐसे पत्रों को जब लिखा जाता है तो वो प्रतिकूल संदेश पत्र कहलाते हैं। सो दीज प्रेजुडिस मैसेजेस आर देयरफॉर टू बी सेंट टू ऑडियंस सो एप्टली एंड एफिशिएंटली दैट देयर फेथ मे बी मेंटेन्ड इवन व्हेन दे रिसीव सच बैड न्यूज़। ओके, so how we can plan a bad news letter? See, there are two approaches, indirect approach and direct approach. Just see the indirect approach, there are basically four steps. The first one is buffer, that is first part. Second one is explanation, the third one is decision, and the last one is ending. Okay, देखिए, जब हम इनडायरेक्ट मैसेज की बात करते हैं तो उसका जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वह यह होता है कि जैसे अगर हमें किसी को प्रतिकूल संदेश देना है तो इस मैसेज को सबसे पहले नहीं लिखा जाता है, बल्कि सबसे पहले किसी सकारात्मक पॉजिटिव थॉट को लिखा जाता है ताकि जो रिसीवर है उस लेटर को पढ़ना जारी रखे और उसका जो माइंडसेट है, उसकी जो मानसिकता है, वो प्रतिकूल संदेश को ग्रहण करने के लिए धीरे धीरे उस फ्रेम में ढलती जाए। ओके, तो जो बेसिक जो चीज़ यहाँ पर समझने वाली है वह यह कि इनडायरेक्ट अप्रोच में सबसे पहले एक कुशन, एक बफर बनाया जाता है। देखिए, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ बफर। Bad news letters bear such a buffer stock that enables the recipient to entertain bad news sent to him, any favorable indifference or any statement in the interest of receiver is written initially. Okay, तो यहाँ पर जो buffer शब्द है अर्थात प्रतिरोधक कथन, यानी एक तरह से ये एक झटका जो सहन करने वाली सिचुएशन होती है उसे बनाना। जैसे इस तरह से समझिए कि जिस तरह से किसी कुशन का जो प्रयोग किया जाता है ताकि किसी भी बड़े झटके से बचा जा सके, उसी तरह से बैड न्यूज़ का जो इम्पैक्ट कम करने के लिए जिस तरह का स्टेटमेंट लिखा जाता है दैट इज़ कॉल्ड बफर। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले कोई सुखद, कुछ न्यूट्रल या किसी जो रिसीवर है उसके इंटरेस्ट का कोई स्टेटमेंट लिखा जाता है। जैसे इसके एग्जांपल हो सकता है कि हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें ख़राब माल भेजे जाने की समस्या के विषय में लिखा है। ठीक है, यानी उस व्यक्ति ने अगर कंप्लेन की है ख़राब माल की तो हम उसे क्या रेस्पॉन्स देना चाह रहे हैं उसके लिए जो हम बफर स्टेटमेंट बनाएंगे वो कुछ इस तरह का हो सकता है। या फिर एक और हो सकता है, नए व्यवसाय आरंभ करने के लिए लोन के लिए जो आपने आवेदन किया है और हमें विचार करने का अवसर दिया है उसके लिए हम आपको धन्यवाद अर्पित करते हैं। इस तरह से हमने पॉजिटिव उस स्टेटमेंट को कहा, उसके बाद हम अपनी उसकी नेक्स्ट स्टेज पर आएंगे दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्लेनेशन। ओके, यानी उसका विवरण, उसकी व्याख्या।
with most humble tone, reasons pertaining to decision should be included in orderly manner. एक जो sequence होता है, एक क्रम होता है अपने तथ्यों को रखने का, उस क्रम में बहुत ही humble tone में, बहुत ही politely, निवेदन पूर्वक विनम्रता से किसी statement को, उस decision को लिखना. An attempt should be made to exhibit that decisions were taken considering the receiver's interest. और उसके साथ इस तरह भी प्रदर्शित करना चाहिए कि जब डिसीजन लिया गया था उस समय जो रिसीवर है उसके हित के बारे में भी सोचा गया था. इस तरह से विनम्रता पूर्वक इन बातों को लिखना होता है. इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि बड़ी सतर्कता पूर्वक और चतुराई से फैक्ट्स एंड फिगर्स के माध्यम से जो कार्यवाही की गई है उसे उचित सिद्ध करते हुए एक आवश्यक विवरण देना होता है. ओके, द नेक्स्ट वन इज डिसीजन. द डिसीजन ऑफ बैड न्यूज इज एक्सप्लेन्ड हियर विद एन एडवाइस टू गेन फर्दर बेनिफिट ऑफ पॉलिसीज और सर्विसेज. द अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजंस मे बी एक्सप्लेन्ड. और ये जो निर्णय का जो स्टेज होता है इसमें बहुत ही स्पष्ट और सकारात्मक तथा संक्षिप्त तरीके से उस डिसीजन के बारे में बताया जाता है. और इसके अलावा इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि यदि प्रतिकूल संदेश का कारण बहुत क्लियरली है, बहुत स्पष्ट है, तो जो रिसीवर है वो स्वयं अनुमान लगा लेगा, तो वो किसी झंझट में न पढ़कर हम सीधा सीधा उसमें लिख सकते हैं डिसीजन को. और यदि आवश्यक लगे तो रिसीवर को कुछ पॉलिसीज या जो सर्विसेज से पुनः लाभ उठाने की एक एडवाइस इसमें दी जा सकती है. और यदि कोई और अल्टरनेटिव अगर रिसीवर को दिया गया है तो उसे वह भी बताया जा सकता है. ठीक है, जैसे इसमें कुछ एग्जांपल इस तरह से हो सकते हैं, जैसे आपकी प्रार्थना पर जल्दी ही पुनर्विचार किया जाएगा, या फिर इस तरह से भी लिखा जा सकता है डिसीजन स्टेटमेंट, सावधानी पूर्वक विचार विमर्श के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि इस समय आपको हमसे नकद माल क्रय करना ही श्रेयस्कर होगा. तो इस तरह से डिसीजन को लिखा जा सकता है. द लास्ट स्टेज इज एंडिंग. द लेटर शुड एंड विद फ्रेंडली नोट, अश्योरेंस, पोलाइटनेस एंड एक्सप्रेशन ऑफ कॉपरेशन. यानी इस जो अंतिम जो समापन भाग है उसमें एक फ्रेंडली बिहेवियर के द्वारा एक आश्वासन का भाव प्रकट करते हुए सकारात्मक टिप्पणी, एक पॉजिटिव नोट उसमें होना चाहिए. ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल इसका ऐसे हो सकता है, यदि आप सहमत हो तो मैं सारा प्रबंध कर दूंगा, क्या आप मंगलवार तक मुझे फ़ोन करके इस बारे में बता सकते हैं. कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है. ओके, तो ये था इनडायरेक्ट अप्रोच ऑफ प्लानिंग बैड न्यूज़ लेटर्स. अब हम देखेंगे प्लानिंग प्रोसेस ऑफ बैड न्यूज़ लेटर्स इन डायरेक्ट अप्रोच, जहाँ पर हम सीधे प्रत्यक्ष तरीके से किस तरह से बैड न्यूज़ लेटर्स को लिख सकते हैं. तो चूँकि ये डायरेक्ट मेथड है तो इसमें जो बफर स्टेप हमने लिया था उसे हमने स्किप कर दिया है. यहाँ पर 3 स्टेप रहेंगे, मेन आइडिया, देन एक्सप्लेनेशन एंड देन पॉजिटिव एंडिंग. ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं. दिस इज़ अ लेटर फॉर रिफ्यूजल लेटर ऑफ क्रेडिट रिक्वायर्ड. ओके, तो जो सबसे ऊपर है वो सेंडर की डिटेल्स होती है, जैसा कि हमने पढ़ा पहले. उसके बाद डेट्स होनी चाहिए, और यहाँ पर जो है रेफरेंस नंबर के बाद में जो रिसीवर है उसके फर्म का नाम लिखा जा सकता है, एड्रेस एंड नेम. नाउ द लेटर स्टार्ट्स, डियर सर, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग रेफरेंस ऑफ बिजनेस फर्म्स सो एज टू डिसाइड अबाउट योर क्रेडिट वर्दीनेस. तो सबसे पहले हमने उसे एक बफर स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा है. देन ऑल द रेफरेंस हैव पॉजिटिव ओपिनियन अबाउट योर वेंचर, हाउ एवर your demand for credit facility is higher than we can allow at this juncture. Hence, we regret to allow required credit limit. Presently, we are facing liquidity crunch and coping with certain financial constraints. Therefore, we are not in a position to accept your order of purchase on credit.
And the last one is inconvenience caused to you is regretted. Fine. इस तरह से इस letter को लिखा जा सकता है. And then lastly is sender's details. Okay. The next example we can say, this is in Hindi. यह है एजेंसी को भंग करने के लिए पत्र, लेटर फॉर विड्रॉल ऑफ एन एजेंसी. सबसे ऊपर हमेशा की तरह हमने यहाँ पर जो सेंडर है उसकी डिटेल्स आती है, यहाँ पर उसका एड्रेस एंड डेट्स आती है, देन रिसीवर्स की डिटेल्स एंड रेफरेंस नंबर. प्रिय महोदय, आपको सूचित किया जाता है कि हमारे स्टील कारखाने में पिछले कई महीनों से चल रही हड़ताल के कारण हमारा उत्पादन काफ़ी घट गया है. इसके अतिरिक्त हमने यह भी देखा है कि अनुबंध के अनुसार प्रतिवर्ष जितना माल बेचने के लिए आप राजी हुए थे उससे कम माल आप एक वर्ष में बेच सके हैं. आपके अनुबंध के अनुसार प्रतिवर्ष रुपये 5 लाख का माल बेचना था, किंतु आपने केवल 3.5 लाख रुपए का माल ही बेचा है. अतः ऐसी स्थिति में निदेशक मंडल ने आपकी एजेंसी भंग करने का निर्णय लिया है. कृपया आप 2 माह के भीतर अपना हिसाब चुकता कर दें. माल का उत्पादन बढ़ने पर आपको पुनः एजेंसी देने के मामले में विचार किया जाएगा. मुझे आशा है कि आप हमारी परिस्थितियों को देखते हुए इसे अन्यथा नहीं लेंगे. हिसाब के समायोजन की सूचना शीघ्र दीजिएगा. धन्यवाद. तो इस तरह से इसमें जो लास्ट में पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ इस लेटर को एंड किया गया है. तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका है किस तरह से बैड न्यूज़ लेटर्स को प्लान आउट किया जा सकता है. तो थैंक यू सो मच.